Четверки кое-как спаслись. Сейчас она там, я здесь. Пытаюсь что-то навести. यूक्रेन के खार्किव का हाल ऐसा हो गया जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म में बमबारी के बाद तबाही का सीन हो। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जले हुई कारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार होंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और उधर अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। जो बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई ऐसे देश हैं जो कि पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी और ऐसे में उस अपील का असर होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने रोक लगा दी है लेकिन बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक तेल और गैस के आयात पर रोक लग जाएगी, यानी कि इस साल के अंत का समय लिया गया है बोरिस जॉनसन की तरफ से। लेकिन आर्थिक तौर पर किस तरीके से रूस को कमजोर किया जाए, किस तरीके से उसकी आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया जाए, इस पर जोर अभी फिलहाल सबसे ज्यादा देशों का है। Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, it's going to go up further. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home. तो आज रूस यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन है और रूस पर हर तरीके के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ताकि उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाए। और इस बीच आपको हम ये भी बताएंगे कि ज़ेलेंस्की का माइंड गेम क्या है, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब अमेरिका ने रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ है। पुतिन बाइडेन में दो दो हाथ हो रहे हैं, जंग जारी है। अब देखिए, जो रूस से तेल गैस नहीं खरीदेगा अमेरिका, ये अमेरिका ने बड़ा निर्णय लिया है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, कच्चे तेल के आयात पर भी पाबंदी लगाई गई है। रूस को चौतरफा घेरा जा रहा है। ब्रिटेन भी बंद करेगा तेल का आयात अमेरिका के साथ साथ। ब्रिटेन ने भी तेल का आयात बंद करने का फैसला लिया है। यूरोप के कई देश भी इस वक्त अमेरिका के साथ हैं और उन्होंने भी पाबंदी लगाई है। तो रूस के लिए भी हर तरफ से मुश्किलें बढ़ती जा रही है और पुतिन चौतरफा घेर गए हैं। और देखिए, ज़ेलेंस्की की अपील के बाद ये फैसला लिया गया है। तो रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी है। आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया है और अब तेल का आयात अमेरिका नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने जो अपील की थी उसके बाद अमेरिका के साथ साथ कई यूरोपियन देश हैं जो इस वक्त रूस के साथ है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से 5,000 लोगों को निकाला गया है, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को निकाला गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के शहर सुमय से 20,00,000 लोगों ने इस वक्त यूक्रेन छोड़ा है, ये पूरा आंकड़ा है। लेकिन सुमय शहर की अगर हम बात करें तो 5,000 लोगों को निकाला गया है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त देखिए, न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है बड़ी तादाद में। इनमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और ये अपना शहर, अपना इलाका छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safely because of the Indian embassy. तो यूक्रेन के शहरों से पलायन लगातार जारी है, जिसकी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20,00,000 से ज्यादा लोग पड़ोसी देशों में शरणार्थी के तौर पर चले गए हैं, अब भी पलायन का यह सिलसिला दिखाई दे रहा है। सुमय शहर का जिक्र करें तो भारतीय छात्रों का जो जत्था है वहां से निकल रहा है। जिस बस से भारतीय छात्र शहर छोड़ रहे हैं उसमें तिरंगा लगा हुआ है। चार तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बदतर होते हालात के बीच भारतीय छात्र वतन वापसी करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस कि सेना उस बस को निकालने में मदद भी कर रही है। यह हिंदुस्तान की ताकत ही है कि यूक्रेन और रूस दोनों यहां पर मिलकर कम से कम भारतीय छात्रों के प्रति जिस तरह से नरमी बरतते हुए और उनका सहयोग करते हुए भारत सरकार का नजर आता है, वो हमारी कामयाबी का संदेश यहां पर देती है। वहीं पोल्तावा से भी पलायन जारी है, ट्रेन से छात्र शहर छोड़ रहे हैं, मजबूरी कहिए या फिर जिंदगी को तलाशते हुए वतन वापसी कहिए, यह तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। और युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने के लिए अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन की
तस्वीर भी आप देख लीजिए, मारामारी के हालात किस तरह से बने हुए हैं, अब आप इसको समझिए, क्योंकि ये भीड़ नहीं है, ये दहशत है, खौफ है, दर्दनाक तस्वीर यहां से सामने आती है जब अपना बसा बसाया संसार छोड़कर यहां से लोग जाने को मजबूर है, शरणार्थी के तौर पर पड़ोसी देशों में शरण यहां पर तलाशते हुए नजर आते हैं। जब यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आती देखी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में वहां दूसरे पड़ोसी देशों की तरफ कुछ इस तरह से रुख कर लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे, कीव के पास के इलाकों में भी हमले जारी है। रूस के हमले में कई इमारतें जो हैं अब तक तबाह हो चुकी हैं, तबाही का यह सिलसिला अब भी जारी है। लोगों को जान बचाने के लिए बंकर में जाने के लिए कहा है, लेकिन जग जाहिर है ये सच कि बंकर भी उस हद तक नहीं है, बंकरों की भी कितनी बड़ी कमी यहां पर है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध जारी है उसका 14वां दिन आज है। कीव पर कब्जा करने पर रूस जो है वो आमादा है, रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लाखों सैनिकों ने कीव को घेरा हुआ है। हालांकि यूक्रेन की अपनी रणनीति है जिसके तहत अब तक कीव पर कब्जा पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन कीव के पास के इलाकों में किस तरह से यह तबाही दिखाई दे रही है उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। रूस साफ कह चुका है, चार शर्तों को मान लीजिए हम युद्ध विराम कर देंगे, युद्धबंदी कर देंगे, युद्ध फौरन रोक दिया जाएगा। यूक्रेन कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की कल भी सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि मैं कीव में हूं और इसी तरह से यहां पर तब तक रहूंगा जब तक कि यह पूरा युद्ध जो है मैं दोबारा से अपने शहरों को बसा नहीं देता हूं, रूस से भी बेहतर तरीके से हम अपने तबाह हुए शहरों को बसाएंगे। तो लोगों को बंकर में जाने के लिए यहां पर कहा गया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जतोमर में भी हवाई हमले का यह अलर्ट जारी किया गया है, विनिसिया में भी हवाई हमले का अलर्ट किया गया है। देखिए एयर अटैक किस तरह से रूसी सैनिक कर रहे हैं, रूसी सेना के जरिए एयर अटैक किया जा रहा है और उससे तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आग के गोले गोले जो है वो किस तरह से यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं उसकी हर तस्वीर यहां सामने आ रही है, जिसमें लोगों को एक तरफ बंकर में जाने के लिए कहा गया है ताकि वो अपनी जिंदगी बचा सकें, तो दूसरी तरफ कीव, जतोमर, विनिसिया में हवाई हमले यानी कि एयर अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। रूसी हमले 14वें दिन और भी तेज यहां पर हो गए हैं, 13वें दिन किस तरह से ये हमले भयानक तरीके से सामने आए थे उसकी तस्वीरें कल आप तक पहुंचाई थी और अभी भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एयर अटैक जो है रूसी सेना के जरिए किया जा रहा है और ये हमले और ज्यादा तेज हो सकते हैं। तो युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने के लिए अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन पर मारामारी के हालात बने हुए हैं। 14 दिन बीतने के बावजूद जब यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के हमलों में कोई कमी आती नहीं देखी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में वहां से दूसरे पड़ोसी देशों का रुख कर लिया। लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर पहुंचना शुरू कर दिया। इन हालात में कई शहरों के रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भर गए, जिनमें कीव रेलवे स्टेशन भी शामिल रहा। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर किसी को पहली ट्रेन पकड़ने की जल्दी दिखी। सबका मकसद यही था कि जितना जल्दी हो पाए वो अपनी और अपनों की जान बचाकर सुरक्षित जगह पहुंच जाए। प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर जो भीड़ रही सो रही, कुछ लोग तो ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों पर उतर आए। तो यूक्रेन से युद्ध की दर्दनाक तस्वीरें इन 14 दिनों में सामने आ चुकी हैं। आज महायुद्ध का 14 दिन है और ऐसे में एक छोटा बच्चा अपने सैनिक पिता को जंग के मैदान में जाने नहीं दे रहा, वो रो रहा है। बमबारी के बीच बच्चे रेस्क्यू यहां पर किया गया और सुरक्षा कर्मी उस बच्चे को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर से ये संदेश जरूर जाता है कि महायुद्ध सिर्फ दर्द देना जानता है, जख्मी करना जानता है। और 14 दिनों में जख्मी होने की कितनी तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं, चाहे वो यूक्रेन के दावे के तौर पर हो या फिर हमलावर देश रूस के जरिए सामने हो, लेकिन महातबाही के बीच में दर्द देने वाली तस्वीर, संदेश देने वाली तस्वीर इस रोते हुए बच्चे के जरिए जरूर सामने आती है। और रूस और यूक्रेन के बीच कई दिनों से ये युद्ध जारी है, आज 14वां दिन है। हर बढ़ते और बदलते वक्त के साथ में यहां पर युद्ध की तस्वीर बदली और ऐसे में वहां के लोग भी अपने देश का साथ देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। यूक्रेन के लीव का जिक्र करें तो एक थिएटर में लोगों को हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि रूस की सेना कब और कहां से यह हमला कर देगी। यही वजह है कि आम लोग भी दिन रात करके एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी जी जान से हथियार चलाना सीख रहे हैं। सेना के लोगों ने उन्हें छोटी सी पिस्तौल से लेकर राइफल चलाने तक की ट्रेनिंग दी। उन्होंने उन्हें शुरू से सिखाया, जैसे कि पहले पिस्तौल में बुलेट लोड करना और फिर सही निशाना लगाना। लवी में ये ट्रेनिंग लेने एक माँ बेटी की जोड़ी भी पहुँची।
ये सेंटर लवीव के पश्चिमी हिस्से में चल रहा है, जहां करीब 24 गांव के लोग पहुंचे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग हथियार चलाना सीख चुके हैं। ये लोग यूक्रेन के बाकी हिस्से के लोगों की तरह पश्चिमी देशों से खफा नजर आए। उन्होंने बातों से जाहिर कर दिया कि उनका अब उन देशों से भरोसा उठ चुका है जो युद्ध से पहले झूठे वादे करते थे। I'm also angry at the world. Yes, they do provide weapons, but not enough. युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों से लोग लवीव पहुंचने लगे और उन्होंने वहां शरण ली। बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। रूस पर इस प्रतिबंध का पूरी दुनिया पर बड़ा असर होने वाला है। तफसील से आपको समझाते हैं। रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगने अब शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ भी अब रूस पर तेल और गैस की निर्भरता यहां पर कम होती नजर आती है। मौजूदा प्रतिबंध के बाद क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं और साथ ही क्रूड ऑयल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब 200 प्रति बैरल से ज्यादा भी ये दाम यहां पर बढ़ सकते हैं। इस प्रतिबंध का असर पूरी दुनिया पर यहां पर पड़ता हुआ नजर आता है। तेल के दाम बढ़ेंगे।